हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो आइए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर सेम शेप और सेम साइज का हो जाए तो उसे हम एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी की बात करते हैं, ये दोनों ही सेम शेप और सेम साइज का है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। यदि हम एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल भी सेम शेप और सेम साइज के हैं तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। यदि लाइन सेगमेंट ए बी बराबर सी डी होगा तो हम ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी लिखेंगे। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंस को हम इसी साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ यदि होगा तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस एंगल डी ई एफ लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम शेप और सेम साइज का है इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्लोज फिगर की बात करते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में बात करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों ही सेम शेप और सेम साइज के होंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ लिखेंगे। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड ए बी बराबर डी सी हो जाएगा, बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा और ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा, इस ट्रायंगल के सभी साइड्स इस ट्रायंगल के सभी साइड्स के बराबर हैं और इस ट्रायंगल के सभी एंगल इस ट्रायंगल के सभी एंगल के बराबर हैं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल पर ओवरलैप कर जाएगा और कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इस प्रकार के फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस फिगर होने के लिए दो फिगर का आपस में सेम शेप और सेम साइज का होना अनिवार्य है। हाय स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग नए चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।